ऊंट खाना है। इतने पुराने समय में ऊंट बांधी जाती। गेट और ये तो बालकनी हिंदू डिजाइन में बनी हैंगी। कही जाते हैं वजू खाना, मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैंगे। तो सब भज्जायन को कक्का को राम राम पहुंच जावे। उम्मीद कर रहे हैं आप सब जने एकदम बढ़िया हुज्जो, और हम आपको स्वागत कर रहे हैं हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको लेके आएंगे ओरछा के जहांगीर महल में। कई जात के ओरछा के राजा वीर सिंह ने अपनी जीवन के 22 साल लगा के अपने एक मुस्लिम दोस्त के लाने जो महल बनवा दी, जिसको नाम है जहांगीर महल। और आज हम आपको वही घुमाए आएंगे, तो फिर चले भीतर। उनने तो 22 साल लगाए थे, हमारे दोस्त ने 22 मिनट देख रहे अभी बैठे होते जी है हाल। तो आप जो महल देखे और कैसो का है जो महल, सब कुछ बताए वीडियो में। तो वीडियो में रहे जो, तो आज चले भीतर। तो अब अपनी महल के भीतर आ गए हैंगे, और हमारे दादा बताने लगा कि महल में 236 कमरा हैंगे, सोएंगे नीचे सिपाहियन के लाने, और 136 कमरा इतने बने ऊपर राजा महाराजा के लाने। तो आओ फिर बताए चले। और जी जो दिख रहे हैं पौंड बने ने पोखरा बोलो जात बुंदेलखंडी में, जी पोखरा में पुराने समय में जल भरो रत्तो, यानी पानी भरो रत्तो, इसमें फूल इत्र वगैरह डाल देते जी में पूरा आंगन महकत रत्तो। और ये पूरे महल में 241 दरवाजे बने हैंगे, कछु ऊपर बने हैंगे और कछु तलघर में बने हैंगे। तो अब अपन ही महल के ऊपर वह हिस्सा में आ गए होंगे। वह इतना सुंदर दिखाई देते हैं कि ऊपर वह हिस्सा से जो आप देख सकत होगी, और इतने बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। अगर आपको नीचे गर्मी लगेगी तो इतने ऊपर आ जाओ तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप देख सकते हो किस तरीका से इतने बने हैंगे, कमरा वमरा बने हैं, और पूरा महल जो इसी तरीके से बने हुए और ज़्यादा कछु नंजाई के ऊपर है। और जौन जी आप ई के ऊपर हाथी बने देख रहे होगे, जो हिंदू डिजाइन में बने हैंगे। और ई के ऊपर जौन जी आप डिजाइन देख रहे होगे, जो जौन छज्जे को सपोर्ट दे रही हैगी, जा मुस्लिम डिजाइन में बनी हैगी। और जौन जी आप जगह देख रहे होगे, इको कही जाते हैं वजू खाना, मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैंगे वे जब नमाज पढ़वे जाते हैंगे तो इतने भी हाथ पैर धुल के शुद्ध होते हैंगे, उई के बाद नमाज पढ़वे जाते हैंगे। तो ईको जहांगीर किला ने बनवाओगे। तो और जौन जो आप गेट देख रहे होगे, जो गेट और जे दो बालकनी हिंदू डिजाइन में बनी हैंगी, और जो गेट और जे दो बालकनी मुस्लिम डिजाइन में बनी हैंगी। और हिंदू मुस्लिम की कारीगरी को जोड़ कर एक बहुत ही सुंदर महल बना होगा वो। और जो महल हिंदू मुस्लिम की दोस्ती को एक बहुत बड़ा प्रतीक है वो। तो जौन गेट से अब हम आपको लेके आए हैं बहुत ही महल को पिछलो गेट। तो आओ फिर चले महल के मेन गेट पे, कहे की जो मेन गेट है वो बहुत ही शानदार है। तो आओ फिर चले और आपको दिखाएं वो गेट। और जौन जो आप गेट देख रहे होगे, जो है ई महल को मेन गेट, और इतना ही से राजा महाराजा ई महल में प्रवेश करते। और आप वहां देख सकते हो कि ये गेट को कितने शानदार तरीका से बना होगा है वो। और इतने दो हाथी भी बने हैंगे, जी में से एक हाथी की सूंड में घंटी बनी है जो स्वागत को प्रतीक है वो, और दूसरे हाथी की सूंड में चैन बनी हैगी जो इको मतलब जो है वो कि हम अपने दुश्मन को बंदी बनावे को भी सामर्थ्य रखते हैंगे। और आप वहाँ से विनती हैगी कि सबसे पहले तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमें, ताकि आपको पतो लगत रहे कि हम वीडियो पे काम कर रहे हैं कि नहीं, वीडियो कब है आ रही, वीडियो कैसी आ रही, सब कछु आपको तो पतो लगत रहे। और अगर आप पूछो बचा तो कछु भी बात हमसे, तो आप उतने पर्सनल मैसेज हमें कह सकते हो कि हम सबको रिप्लाई दें, बिल्कुल सबको। और हो सकत कि आपको हम मेंशन भी कर दें बातचीत के लाने। तो जाओ और फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जौन जी आप वहां जाली देख रहे हो, आप देख सकते हो कि हर जाली में एक अलग डिजाइन दी गई है ये तैसा।
तो जौन जी आप और तीन सीढ़ी देख रहे होंगे, इनको भी बहुत उपयोग है तो पुराने समय में। जौन जी पहली सीढ़ी है ये तैसे घोड़ा सवार और पाली सवार उतरते, और दूसरी सीढ़ी पे ऊंट सवार उतरते, और तीसरी सीढ़ी पे उतरते हाथी सवार। और जौन जो आप सामने देख रहे हो एक बिल्डिंग सी बनी है छोटी सी, जो है ऊंट खाना। इतने पुराने समय में ऊंट बांधी जाती है, कि जो जहांगीर रहते, जहांगीर जो लोग होते हैं वे लोग ऊंट पालते, उनको ऊंट से ट्रांजेक्शन होता, सो वे ऊंट रखते। और यही से राजा वीर सिंह ने उनके लाने एक ऊंट खाना बनवा हो। तो और ऊंट घर जो जो है वो जो आपको तनक नजदीक से दिखा दे, तो कछु इस तरीका को है वो जो ऊंट घर है। तो आई के भीतरे चले और बताएं आपको जो ऊंट घर कैसो है वो। देख सकत हो आप कि ऊंट घर है जो बर कितनो ज्यादा लंबो और कितनो ज्यादा बड़ो बना हुआ है वो। इतने आप देख सकत हो इतने से लगे उतने तक की जगह दी गई हो, बहुत बड़ो है जो ऊंट घर, जिगो इंग्लिश में कैमल स्टेज बोलो जाते है वो। आत है बुंदेलखंडी है बोला सुजा का समझ के इंग्लिश नहीं आता, सब आत है बताओ का चाने। और जोन जो ऊट गह रहे ई को ज्यादा उपयोग ही नहीं भाव, इसे ई के ऊपर कुंदा लगवा देते। जोन जी आप कुंदा देख रहे हो इनमें बढ़िया झूला डालते हो, झूला झूलते कहे की जो खुला है चारों तरफ से सो हवा भी में बढ़िया आती। और ई के बगल में जोन जो आप टैंक देख रहे हो इनमें पानी भरवा, तो इतनी से पानी की व्यवस्था होती है टैंकी। और हमारे दद्दार ने बताने लगते कि ओरछा के राजा वीर सिंह ने अपने दोस्त जहांगीर के लाने 1605 से लेकर 1627 के बीच में जो महल बनवा तो, लेकिन जहांगीर सिर्फ एक ही रात के लाने रुके थे महल में, और सवेरे भाई भी कड़ गए थे अपने प्रयागराज का की भी रहते प्रयागराज में। उनके दोस्त ने जो महल बनवा तो सुबह ई के लाने आए थे कि नाव भर हो जाए हमाओ के हम महल में आए हैं। उसके बाद ही वे ही महल में कभी नहीं आए, और जब ही से ई महल का नाम है जहांगीर महल, समझ गए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और जब वीडियो अपने दद्दा भाई को पहुंचा दो का अकेले मजा ले वो चाट का। तो सबसे पहले तो शेयर कर दो वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जय हो प्रभु, इतनी गर्मी पड़ रही हम थक गए। ठीक है, जय श्री राम, बाय बाय।